सुंदरगढ़ जिला राजगांवपुर सहर रे वर्तमान जल जोगाण विभाग अवहेला नीतिदिन देखा मिलता बेले दिनकू दिन बढ़िवे लगी जहाँफल सहरवासी को ना नसुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी कोटि कोटि टंका खर्च कर सरकार सहरांचल नहीं ग्रामांचल विभिन्न प्रकार योजन जल जोगाण प्रकल्प मान या सहित उद्घाटन हो सारी बर्तमान तावल फलक ही शोभा प्रकल्प को जीवाकू या रास्ता अति निम्नमान रही जगह जगार गर्त होते एटी प्रति ध्यान दि जाऊ छड़ा जल जोगाण विभाग द्वारा सहर से जो पानी जल जोगाई दी जाऊँगी से सफा पा आसुनवा बेले बहु स्थान में पानी जल दिने आसुले अन्य दिन नहीं एमतीक राजगांवपुर सहर से बहु स्थान लोके जल उपर पूरा पूरी निर्भर करुवा बेले जल जोगाणर यह अवहेला जो सेठाकार बासिंदा ना नसुविधार सम्मुखीन होता बेले जल जोगाण विभाग में अभोग कले समस्ते साजिंट अंधमुक बधिर एमतीक वर्ष वर्ष धरी एमतीका अभोग सहरवासी करुले कर्णपात करेने निज कार्य ठीक से करना सरकार का कोटि कोटि टंका खर्च कर प्रकल्प गुड़िकर अर्थ किसी ना जो लोक हित कार्य प्रकल्प जहां लोकों कार्य आसुना एभली प्रकल्प केवल आखि को देखा जावाई एणु ए दिगरे उच्च विभाग कर्तृपक्ष ध्यान देवा दावी होती है कि यहाँ पानी का क्या असुविधा चल रहा है। पानी का देखिए सर, सबसे बड़ी असुविधा ये है कि सबसे पहली बात तो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी नहीं आती है, फिर तीसरे दिन पानी आती है, महीने में 15 दिन पानी आती है और 15 दिन में अगर सफिशियंट टाइम से अगर पानी नहीं आएगी तो ना कपड़े धोने के लिए होती है, ना पानी पीने के लिए हो पाती है, ना नहाने के लिए हो पाती है। कितना देर पानी आता है? पानी यहाँ मुश्किल से आता है, आधे घंटा आता है, आधे घंटा मुश्किल से आता है, वो भी एकदम पतला प्रेशर से। कोई टाइमिंग है क्या इसका? इसका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 6 बजे पतला करके आ गया, पतला करके आता है, 6:30 बजे पानी बंद हो जाता है, कभी 7 बजे खुलता है, 7:15 में पानी बंद हो जाता है। इस पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा किल्लत है। ऐसा भी शिकायत है रात को 10 बजे पानी आता है, कोई टाइमिंग ठीक नहीं है, ये सही बात है? हाँ ये सही बात है, रात में खोल कर चले जाते हैं वो लोग, रात भर पानी गिरती है और सुबह में जब पानी भरने के लिए जब आते हैं यहाँ की महिलाएं बच्चे तो पानी आता ही नहीं है। अब अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रेम प्रकाश प्रसाद, काउंसिलर राजामपुर म्यूनसिपल। यहाँ कुछ मतलब शिकायत आई है कि पानी का है, तो आप इस चीज़ से अवगत हैं? हाँ पूरा अवगत हैं। तो क्या असुविधा क्या होता है सर? देखिए सबसे पहला बात है कि PhD का टाइम टेबल फिक्स नहीं है, पहला उनका टाइम होना चाहिए, टाइमिंग सही होना चाहिए। अगर वो जो बोल रहे हैं पब्लिक को भी जानकारी होना चाहिए कि मेरे को 7 से 8 खुलेगा, तो 7 से 8 क्यों नहीं खुलता, कभी 10 से 11 खुलेगा, उसमें भी एक घंटा का जगह में आधा घंटा 15 मिनट में ही बंद कर दिया जाएगा, क्यों वह इसका कारण रीज़न वो बताए कि भैया इस ऐसे क्यों हो रहा है और प्रेशर क्यों नहीं आ रहा। पानी में प्रेशर आना चाहिए, पानी का क्वालिटी पूरा पीलापन हो जा रहा है। ठीक है बारिश का मौसम है अलग बात है। रोज पानी आती है? नहीं रोज नहीं आता। कितना दिन छोड़ के? एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, लेकिन वो भी पानी का टाइमिंग गड़बड़ है। ठीक है पानी का टाइमिंग सही नहीं। और अपने शिकायत किए थे कहीं सुनने में आया है? नहीं हम तो SDO को भी फोन किए थे, अभी SDO साहब बोले कि प्रधान जी से बात करिए, अभी देखते हैं प्रधान जी से बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।